Hello dear students, today we have to see different type of adsorption. Okay, there are two type of adsorption. Okay, one is called physical adsorption and another one is called chemical adsorption. Okay, आप physical adsorption को चाहें तो physioption भी बोल सकते हैं. This is also called as physioption. Similarly, chemical adsorption को आप चाहें तो केमिस ऑप्शन भी बोल सकते हैं. ओके, एक ही बात होती है. अब बेसिकली डिफरेंस क्या होता है फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन में, हम समझने की कोशिश करते हैं इसको. फिजिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होता है कि सपोज करिए हमारे पास एक एनिमल चारकोल है, उस पर कोई सी भी गैस आकर एड्सॉर्ब हो गई है, कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हुआ है, वो नॉर्मली वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेस के अकॉर्डिंग आकर एड्सॉर्ब हो गई है, तो वो हमारा क्या हो गया, फिजिकल एड्सॉर्प्शन. बट जहाँ पर कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाता है, ओके, केमिकल बॉन्ड्स बन जाते हैं, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में बॉन्ड्स फॉर्मेशन हो जाता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, केमिकल एड्सॉर्प्शन या केमिसॉर्प्शन कहलाते हैं. ओके, तो बच्चों उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो काफ़ी सारे पॉइंट ऑफ डिफरेंसेज होते हैं जिसकी बेसिस पर हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन को. तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन से टाइप का होता है? तो बच्चों जैसे यहाँ पर कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बन रहा है, इसीलिए एक टाइप का अट्रैक्शन बॉन्ड होगा और उस अट्रैक्शन बॉन्ड को आप लोग बोल सकते हो वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेस. ओके, दे आर कॉल्ड एज वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेस. लेकिन केमिकल एड्सॉर्प्शन जो रहता है, क्योंकि वहाँ पर एक केमिकल बॉन्ड बन रहा है, इसीलिए यहाँ पर जो बनेंगे वो क्या बनेंगे, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड. ओके, अब देखिए बच्चों यहाँ पर बन रहे वीक वाटर फोर्सेस बन रहे हैं और यहाँ पर बन रहे स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स बन रहे हैं. मैंने आपको हमेशा ही बताया है कि व्हेनेवर द बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज्ड. हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, तो ऑब्वियसली बात है जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो बढ़ती जाती है. तो यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली अगर हम लोग बात करें हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन की, तो हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी क्या हो जाएगा, फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन में अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन लो होती है, जनरली 20-40 किलो जूल पर मोल. बट केमिकल एड्सॉर्प्शन में ऑब्वियसली बात है क्योंकि केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यही वैल्यू हमारी हो जाती है 200-400 किलो जूल पर मोल. मतलब ये जो वैल्यू होती है हमारी हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो रहती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है. और ऑलवेज रिमेंबर, ये हीट हमेशा रिलीज होती है. ओके, द प्रोसेस इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. केमिकल एड्सॉर्प्शन में कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास में जहाँ पर एड्सॉर्प्शन हो रहा है, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो रहा है, लेकिन प्रोसेस जो है वो एंडोथर्मिक होती है. ओके, नाउ नेक्स्ट आता है बच्चों इसमें कंपाउंड फॉर्मेशन. क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड है वो हमारा है वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेस, और वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेस जहाँ पर होते हैं वहाँ पर कोई कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, नो कंपाउंड फॉर्मेशन. जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया कि एनिमल चारकोल है, एनिमल चारकोल ने गैसेस को अपनी सरफेस पर एड्सॉर्ब करा है. ओके, वहाँ पर कोई कंपाउंड नहीं बना है, आप चाहें तो हीट करके उसको रिमूव भी कर सकते हैं. ओके, लेकिन क्योंकि यहाँ पर केमिकल बॉन्ड बनता है तो यहाँ पर क्या होगा, ऑलवेज देयर इज कंपाउंड फॉर्मेशन. यहाँ पर कंपाउंड फॉर्मेशन डेफिनेटली होता ही है. नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रिवर्सिबिलिटी. क्योंकि ये फोर्सेस हमारे वीक हैं, वीक फोर्सेस को आप लोग नॉर्मली टेम्परेचर देकर भी ब्रेक कर सकते हैं. तो ये जो प्रोसेस है, मतलब यहाँ पर जो प्रोसेस होती है ना एड्सॉर्प्शन की, जो रिवर्स प्रोसेस है, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज एड्सॉर्प्शन. तो यहाँ पर डिसॉर्प्शन बहुत इजी होगा. क्यों इजी होगा? क्योंकि यहाँ पर फोर्सेस जो है हमारे बहुत वीक फोर्सेस हैं. ओके, तो यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो ये प्रोसेस हमारी होती है रिवर्सिबल. ओके, बट केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्योंकि एक बार केमिकल बॉन्ड बन गया है तो उस बॉन्ड को आप अगर ब्रेक करेंगे तो आपका वापस से ज़रूरी नहीं है कि आपका एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट उसी कंडीशन में आपको वापस मिल सके. इसीलिए जो प्रोसेस होती है केमिकल एड्सॉर्प्शन की, ये प्रोसेस होती है हमारी
irreversible. Okay. Next आता है activation energy. अब आप बहुत डिटेल में chemical kinetics में activation energy पढ़कर आए हैं. Okay. तो बच्चों देखो, physical adsorption एक physical phenomenon है. यहाँ पर activation energy की जरूरत नहीं होती है, ये process अपने आप हो जाती है. Okay. यहाँ पर आपको external energy देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. Okay. तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आ जाएगा no activation energy. मैंने आपको पहले भी बताया है, activation energy को हम लोग EA से denote कर सकते हैं. So no activation energy required. लेकिन chemical adsorption में EA required, it is always required. Okay. Effect of temperature. Effect of temperature, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर animal charcoal में gases adsorb हो गई है तो आप चाहें तो टेम्परेचर देकर उन सारी गैसेस को रिमूव भी कर सकते हैं. ओके. वैसी बात है, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा तो एड्सॉर्प्शन कम हो जाता है. ओके. लेकिन केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्योंकि केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होने वाला है तो यहाँ पर ये इफेक्ट जस्ट उल्टा हो जाएगा. यहाँ पर अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो यहाँ पर एड्सॉर्प्शन की रेट भी स्टार्टिंग में तो बढ़ती है और उसके बाद में एक बार कंपाउंड फॉर्मेशन होने के बाद में द रेट बिकम कांस्टेंट, मतलब इट डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर. नेक्स्ट वन, इफेक्ट ऑफ प्रेशर. ओके. अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इफेक्ट ऑफ प्रेशर की, तो ऑब्वियसली बात है बच्चों, प्रेशर बढ़ेगा किसी भी गैस का एड्सॉर्प्शन किसी भी सॉलिड सरफेस पर. प्रेशर बढ़ा, एड्सॉर्प्शन भी बढ़ता है. और सिमिलरली केमिकल एड्सॉर्प्शन में भी यही इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा. यहाँ पर भी आपने प्रेशर बढ़ाया और एड्सॉर्प्शन इंक्रीज होगा. नेक्स्ट होता है बच्चों स्पेसिफिसिटी. स्पेसिफिसिटी मतलब कि सपोज करो एनिमल चारकोल है, वो केवल नाइट्रोजन को ही एड्सॉर्ब करे, बाकी किसी भी गैस को एड्सॉर्ब नहीं करे, तो ये चीज़ होगी स्पेसिफिसिटी. बट क्योंकि एनिमल चारकोल ऐसा कर नहीं रहा है बिकॉज दैट इज अ फिजिकल एड्सॉर्प्शन. ओके. सो फिजिकल एड्सॉर्प्शन इज नॉट स्पेसिफिक. ज़रूरी नहीं है कि वही कंपाउंड आपका आकर एड्सॉर्ब हो रहा है, इट्स नॉट एट ऑल कंपल्सरी चिल्ड्रन. सो हियर आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन आपका नॉट स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक नहीं होगा. लेकिन क्योंकि केमिकल बॉन्ड हर किसी के बीच में केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है, ज़रूरी नहीं है कि ऑलवेज केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन वो ही सही, या किसी के साथ में भी किसी भी एड्सॉर्बेंट के साथ में आपका केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाए. इट्स नॉट कंपल्सरी, इट्स नॉट पॉसिबल ऑल्सो. ओके. सो हियर दिस केमिकल एड्सॉर्प्शन इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर. ओके. जिसके साथ में बॉन्ड बनना होगा उसी के साथ बॉन्ड बनेगा, इसीलिए द प्रोसेस बिकम हाईली स्पेसिफिक. ओके. नाउ द लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, जैसे मैंने आपको बताया था द नेचर ऑफ गैस, हम लोगों ने कल देखे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन. ओके. यहाँ पर अगर हम लोग देखें लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस का, तो यहाँ पर आता है बच्चों क्या, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस इंक्रीजेस और एड्सॉर्प्शन ऑल्सो इंक्रीजेस. हमने बोला था कि हाईली लिक्विफिएबल गैसेस जो होती है जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, ऐसी गैसेस ज़्यादा अमाउंट में एड्सॉर्ब होती है. बट बात करें केमिकल एड्सॉर्प्शन में, तो केमिकल एड्सॉर्प्शन में नो सच कोरिलेशन, ऐसा कोई कोरिलेशन आपको नहीं मिलेगा. ओके. ऐसा कोई कोरिलेशन नहीं, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस से उसको कोई लेना देना नहीं होता है. नंबर ऑफ लेयर जैसे सपोज करो ये सॉलिड एड्सॉर्बेंट है, इस पर हमारी कुछ गैसेस एड्सॉर्ब हुई है, कोई लिक्विड एड्सॉर्ब हुआ है, तो यहाँ पे जो लेयर्स बनती है हो सकता है 2 से 3 लेयर तक ये पेनिट्रेट कर जाता है, 2 से 3 लेयर तक आराम से पेनिट्रेट करेगा इसे. तो यहाँ पर जो लेयर बनती है वो बनती है मल्टी लेयर, मतलब कम से कम 4 से 5 लेयर फॉर्मेशन हो सकता है. तो मल्टी लेयर फॉर्मेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट विल बी लेयर. बट नंबर ऑफ लेयर की बात करें, क्योंकि केमिकल बॉन्ड है तो केमिकल बॉन्ड में एक बार अगर बॉन्ड बन गया तो दूसरे एड्सॉर्बेंट उस पर आकर एड्सॉर्ब नहीं हो सकते, तो यहाँ पर हमेशा बनती है मोनोलेयर. ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पर हमेशा बनेगी आपकी मोनोलेयर. नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया. तो जो ऑलवेज रिमेंबर, सरफेस एरिया इंक्रीजेस, एड्सॉर्प्शन ऑल्सो इंक्रीजेस, है ना. कल हम लोगों ने पढ़ा था कि सपोज करिए फाइनली डिवाइडेड मेथड,
तो वो निकल का हर एक मॉलिक्यूल जो रहेगा, हर एक पार्टिकल जो रहेगा, वो अपनी वैलेंसीज को सेटिस्फाई करने के लिए एड्सॉर्प्शन शो करेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है ना, सॉरी, इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इंक्रीजेस, एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस। केमिकल एड्सॉर्प्शन में भी सेम रहेगा, सरफेस एरिया इंक्रीजेस, एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस। तो यहाँ पर दो इफेक्ट, दो फैक्टर है जहाँ पर दोनों में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते हम लोग, एक तो प्रेशर और एक सरफेस एरिया। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो प्रेशर का इफेक्ट भी दोनों पर सेम है और सरफेस एरिया का इफेक्ट भी दोनों पर सेम होता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। नाउ नेक्स्ट वन मोर टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन इज देयर, दैट एड्सॉर्प्शन इज कॉल्ड एज कॉम्पिटिंग एड्सॉर्प्शन। कॉम्पिटिंग एड्सॉर्प्शन से आपको समझ में, तो थोड़ा टर्म से समझ में आया होगा कि देयर मस्ट बी सम टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन। डेफिनेटली सपोज करिए हमारे पास में है एनिमल चारकोल। ओके, गैस मास्क, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि गैस मास्क में एनिमल चारकोल प्रेजेंट रहता है। द पीपल दोज हु आर गोइंग, दोज हु आर वर्किंग इन द माइंस, ओके, दे आर यूजिंग गैस मास्क। व्हाई दे आर यूजिंग गैस मास्क? बिकॉज एट एनी टाइम द रिलीज ऑफ पॉइजनस गैसेस कैन बी देयर, लाइक एस, लाइक CO2, लाइक मीथेन, लाइक SO2। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, कोई सी भी पॉइजनस गैस कभी भी रिलीज हो सकती है। उससे, उसकी टॉक्सिसिटी से बचने के लिए जो गैस मास्क यूज़ किया जाता है, उस गैस मास्क में होता है एनिमल चारकोल। वो एनिमल चारकोल क्या करेगा, जो गैसेज हैं उनको एड्सॉर्ब कर लेगा। अब ये एनिमल चारकोल कॉम्पिटिंग एड्सॉर्प्शन कैसे कर रहा है वो हम देखते हैं। एक्चुअली कॉम्पिटिंग एड्सॉर्प्शन, कॉम्पिटिशन में क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होता है वो भी कैंडिडेट को अपनी जगह से हटा देता है। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, आपका एनिमल चारकोल क्या हो गया, एक एड्सॉर्बेंट हो गया, जो ऑलरेडी, जिसमें ऑलरेडी जो एटमॉस्फेरिक गैसेस है लाइक O2 N2, ये ऑलरेडी उसमें एड्सॉर्ब होती ही है। ओके, लेकिन जैसे ही कोई मोर स्ट्रॉन्गली एड्सॉर्बेबल एड्सॉर्बेंट उसको मिलेगा, ओके, कोई भी स्ट्रॉन्गली एड्सॉर्बेट अगर मिलेगा, जैसे Cl2 SO2 CH4, तो ये जो स्ट्रॉन्गली एड्सॉर्बेबल गैसेस हैं ये क्या करेंगी, O2 और N2 को अपनी जगह से रिप्लेस कर देंगी और खुद आकर एड्सॉर्ब हो जाएगी। तो ये होता है हमारा क्या, कॉम्पिटिंग एड्सॉर्प्शन, है ना। कॉम्पिटिंग एड्सॉर्प्शन में बेसिकली जो ज़्यादा अच्छे से एड्सॉर्ब हो सकती है गैसेस, वो वीक एड्सॉर्ब गैसेस को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर देती है। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटिंग एड्सॉर्प्शन। तो ये जो वीडियो है इसमें हम लोगों ने देखा फिजिकल एड्सॉर्प्शन के बारे में, केमिकल एड्सॉर्प्शन के बारे में और कॉम्पिटिंग एड्सॉर्प्शन के बारे में। इसके आगे का जो टॉपिक रहेगा वो हम